अथ देव्या कवचम विनियोग ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषे अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशति पाठांत्वेन जपे विनियोग ओम नमश्चंडिकायै ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। माकंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परम लोकै सर्वरक्षाकर नृणाम अंकस्य चिदाख्यात तन्मे ब्रूहि पितामह। एक माकंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। एक ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यत मन विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचन पुण्यम तच्छृणुष्व। महामुनि दो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। दो प्रथमा प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम तीन देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। तीन पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम चार पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। चार नवमन सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानी नामानी ब्रह्मनेव महात्मना पांच नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। पांच अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे विषमे दुर्ग में चैव भयार्ता शरण गता है। छह तो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। न तेषा जायते किंचिद् शुभ ऋण संकटे नापदन तस्य पश्यामि शोको एक भयम् न ही। साथ युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। साथ यैस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संशय। आठ जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम ही संदेह रक्षा करती हो। आठ प्रेत संस्थातु चामुंडा वाराही महिषासना एन्द्री गजस्मारुधा वैष्णवी गरुडासना। नौ चामुंड देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, एन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। नौ माहेश्वरी वृषारुधा कौमाई शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरप्रिया। दस माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। दस श्वेतरुद्रा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हस्मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। ग्यारह वृषभ पर आरूढ़ वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। ग्यारह इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाध्या नानारत्नोपशोभिताः। बारह इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। बारह दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधस्माकुला शंख चक्रम गदा शक्तिन हलम च मुसलायुधम तेरा खेटकम तोमर चैव परशुम पाशमेव च
कुंतायुध त्रिशूल च शांगमायुधमुत्मम् 14 दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि थर देवाना च हिताय वै 15 ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। 13-15 नमस्तेस्तु महारौद्रे महागौर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभविनाशिनी। 16 कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रोरूप अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। 16 त्राही माँ देवी दुष्प्रक्षे शत्रुना भयवर्धिन प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेया अग्निदेवता। 17 दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेद वायव्या मृगवाहिनी। 18 तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृगपा सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। 17-18 उदीच्या पातु कौमाय ऐशान्या शूरधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेद अधस्ताद वैष्णवी तथा 19 उत्तर दिशा में कौमाय और ईशान कोण में शूरधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। 19 एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। 20 इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे, जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। 20 अजिता वामपार श्वेतु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनी व्यवस्थिता। 21 वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। 21 मालाधारी ललाटे च भ्रुव रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवमध्ये यमघंटा च नासिके। 22 ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। 22 शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांक्री। 23 दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांक्री मूल भाग की रक्षा करे। 23 नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जेवाया च सरस्वती। 24 नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जेवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। 24 दंतान रक्षतु कौमाय कंथदेशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके। 25 कौमाई दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। 25 कामाक्षी चिबुक रक्षेद वाचा में सर्वमंगला ग्रीवाया भद्राकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। 26 कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्राकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। 26 नीलग्रीवा बहेकंठे नलका नलकुब्री स्कंधयों खड्गिनी रक्षेद बाहु में व्रजधारिणी। 27 कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुब्री रक्षा करे, दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। 27 हस्त्योदंडनी रक्षेदंबिका चांगोलीशु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत कुशो रक्षेत कुलेश्वरी। 28
दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे, 28 स्तनों रक्षेन महादेवी मनर शोक विनाशिनी हृदये, ललिता देवी उदरे शूलधारिणी 29 महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे, 29 नाभ च कामिनी रक्षेद गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेर गुदे महेश्वाहिनी 30 नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे, 30 कटिया भगवती रक्षेत जाननी विंध्यवासिनी जिंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम्प्रदायिनी, 31 भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, 31 गुल्फयुनारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादागुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी, 32 नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, 32 नखा दनिष्ट्राक्राली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेशु कौबेरी त्वचा वागीश्वरी तथा 33 अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दनिष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमवालियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे, 33 रक्तमज्जाव सामासान्यस्थि मेदासी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तः च मुकुटेश्वरी, 34 पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदा की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, 34 पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामनित्था ज्वालामुखी नखजोलांभेद्या सर्वसंधिषु, 35 मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वो अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, 35 शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेत छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धिन रक्षेन में धर्मधारिणी, 36 ब्रह्माणि आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, 36 प्राणापनो तथा व्यानमुदान्न च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राण कल्याण शोभना, 37 हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, 37 रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्च वृक्षे नारायणी सदा, 38 रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, 38 आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी, 39 वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, 39 गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी, 40 इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति पत्नी की रक्षा करे, 40 पंथान्न सुपथा रक्षे मार्ग क्षेम कई तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता, 41 मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, 41 रक्षाहिन्तु यत्स्थान्न विजितं कवचेन्तु तत्सर्वं रक्ष्मे देवी जयंती पापनाशिनी, 42 देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है
अतएव रक्षा से रहित है वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। 42 पद में कह न गच्छेतु यदि छेछु भमामना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। 43 तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम यम चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यं तुल प्राप्स्यते भूतले पुमाय। 44 यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। 43-44 निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश प्राजितः त्रैलोक्ये तु भवे पूज्यः कवचेनावृतः पुमः। 45 कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। 45 इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पथे प्रियतो नित्यं त्रिसंध्यम् श्रद्धयान्वितः। 46 दैवी कला भवेत्स्य त्रैलोक्येषु प्राजितः जीवेद् वर्षष्टम् सागरं पमृत्यु विवर्जितः। 47 देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। 46-47 निश्चिंती व्याधयः सवे लूत विस्फोट काद्या स्थावर जंगम चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम। 48 मकरी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीम और तेल के संयोग आदि से बनने वाली कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। 48 अभिचारानी सर्वाणी मंत्रयंत्राणी भूतले भूचराह खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका। 49 सहजा कुलजा माला दाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा दाकिन्यश्च महाबलाः। 50 ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगंधर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतलाः कूष्मांडा भैरवादयः। 51 नश्यन्ति दर्शनायत्स्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद् राज्ञ तेजोवृद्धिकर परम। 52 इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्धा होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड और भैरो आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। 49-52 यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचन पुरा तिरपन यावद भूमंडल धते सशैलवन कान्नम तावतिष्ठति मेधिया संतति पुत्र पौत्रिकी। 54 कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। 53
चौवन देहाते परम स्थान न यत्सूररपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः पचपन लभते परम रूप शिवन सह मोदते ओम छप्पन इति देव्याः कवचन संपूर्णम। फिर देह का अंत होने पर वो पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पचपन वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। छप्पन देवी कवच पूरा हुआ।